पानीपत में एक ऑटो ड्राइवर की लापरवाही, बेरहमी और पुलिस के डर से 9वीं क्लास के छात्र की जान चली गई। मरने वाला छात्र परिवार का इकलौता चिराग बताया जा रहा है, जिसकी मौत के गम में परिवार का बुरा हाल है और मृतक बच्चे के माँ बाप ऑटो ड्राइवर को कोस रहे हैं। ऑटो ड्राइवर इस घटना में अगर थोड़ी सी जिम्मेवारी दिखाता तो शायद ये छात्र बच भी सकता था। सोनू का लाश पड़ा हुआ था 13-17 सेक्टर के रोड के साइड में। मौके पर तो हम लोग नहीं थे, पुलिस वाला गया, मेरे पास पुलिस वाला फोन किया कि सोनू आपका लड़का है, हम कहा हाँ ये मेरा लड़का। फिर पुलिस वाला मेरे पास गया, मेरे पास एम्बुलेंस गाड़ी ले गया, उठा कर हम लोग लाया, वहाँ से पहचान किया कि आपका बच्चा है, हाँ हमारा बच्चा है। फिर वहाँ से पुलिस वाला उठा कर यहाँ लाया। एक्सीडेंट तो पेप्सी पुल और बारपुर के बीच में हुआ था, टेम्पो वाला अपना पुलिस से बचने के लिए फेंक दिया था। बंदा इस पर हो गया है, जिस सूचना में आया सोनू स्लोप रुदल था, बाबरपुर मंडिया रहने वाला, थ्री व्हीलर पलट गया था, तो थ्री व्हीलर वाला उसको उठाकर अजीजुल्लापुर के खेतों में डाला है। इस बारे में हमें 287, 337, 304, 304, 201 का पर्चा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके यहाँ बड़ा जल्द छोड़ दिया है। पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं। मौके लगे में घबरा गया था, ये मौके पर एक्सपायर हो गया था, भले आगे मेरे आगे कुत्ता आ गया था। अजीजुल्लापुर के खेतों में डाले चलाया गया। BSNL की सभी अखिल भारतीय यूनियन एवं रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियन व एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर तार घर के गेट के सामने GT रोड पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। धरने पर बैठे पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए यूनियनों से जुड़े सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी जो है 3 मुख्य डिमांड है, जिसको लेकर हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है, जिसका आज दूसरा दिन है। पहली मुख्य डिमांड है 3rd BRC का लागू होना BSNL में, जो कि 1/1/2017 से लागू होनी थी। BSNL मैनेजमेंट कमेटी ने इसको जो है पास कर दिया है, BSNL बोर्ड ने भी पास कर दिया है। अब ये कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री के पास लंबित पड़ा है, इसलिए हमारी भारत सरकार से या कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री से ये अपील है, इसको यथाशीघ्र 1/1/2017 से लागू करें और जो भी 15% बेनिफिट है उसके साथ और जो भी संशोधित हमारे जो भत्ते हैं उनके साथ जो लागू किया जाए। प्रबोधन सर्वजन हित्याय कल्याण समिति के सदस्यों ने महिलाओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान यात्रा निकाली, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें महिलाओं ने घर घर जाकर पूरे बाजार में कचरा पन्नी में इकट्ठा किया और सफाई की और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और स्वच्छता के लाभ भी बताए। हमारी प्रबोधन सर्वजन कल्याण समिति है, हमारा मेन उद्देश्य है, हमारी संस्था 5-6 महीने से काम कर रही है स्वच्छता के अभियान के पीछे, पर लोगों को जागरूक करना है, गंदगी बाहर ना फैलाए, यह शहर हमारा है, हमने इसको साफ सुथरा रखना है। ये जन सबकी जन भागीदारी होगी तभी ही शहर साफ सुथरा रहेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा पानीपत मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कौशिक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि ब्राह्मण बनिया पंजाबी व राजपूत समाज को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने पर समाज में खुशी का माहौल है और इसी उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को समान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की तरफ से एवं समस्त ब्राह्मण समाज पानीपत की तरफ से जो विनोद शर्मा जी के द्वारा हमारे को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाया है, उसके लिए एक सम्मान समारोह 17 तारीख को पश्चिणा कला में करने जा रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सभी कार्यकर्ताओं की इसमें ड्यूटी लगा दी गई है, प्रोग्राम की पूरी तैयारी कर दी गई है और समाज के लोगों से ब्लॉक 70 शेर गाँव तक हम अपील करते हैं ब्राह्मण समाज के आदमियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँचे, हाँ इस सम्मान समारोह में पहुँचे और अपने नेताजी के हाथ मजबूत करें और जितने हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं ब्राह्मण समाज के, वो भी जल्दी से जल्दी ये अपना सर्टिफिकेट आर्थिक आधार का बनवा लें ताकि उनको भी भविष्य में आने वाली नौकरियों में इसका फायदा मिल सके। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है? डियर, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपके अंदर एक डर है, मैं गलत तो नहीं हूँ? हम ये डर आपका दूर करेंगे। रियली सपने क्यों नहीं लेते? सपने लीजिए, हम आपके सपनों को देंगे एक नई पहचान। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, अपने आप को पहचानिए,
खुद को जान बने की पहचान. यू कैन ऑल्सो स्पीक वेरी वेल फ्लुएंसी. हेलो हला सॉरी सॉरी ओके आके व्हाई नॉट इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज रियली. डोंट वेस्ट योर लाइफ जस्ट टेस्ट योर लाइफ विद पीसीसी अकादमी. Classes, even along with English speaking classes, we provide personality development, interviews training, as well as motivational classes, which gives you always positivity as well as confidence to get success in your life. नहीं थी. मैं अपनी पहचान बनाने के लिए पीसीसी में आई हूँ. पीसीसी ने मेरे उद्देश्य को ऐसी उड़ान दी है कि जो मेरे लिए पहले पॉसिबल नहीं था मैं आज वो भी कर सकती हूँ. When you get here, then you get here, then you understand that success starts from PCC because PCC is the best. Learning today, leading tomorrow just because of PCC.